हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच यू टारगेट अकेडमी। देखिएगा, यहाँ पे मैं आपके लिए 13 अक्टूबर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट जी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द फोर्स इंडिया अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये अपने यहाँ के मुकेश अंबानी जी हैं, जो कि द फोर्स इंडिया अरबपतियों की प्रथम स्थान पर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार आवी अहमद जी को शांति नोबेल पुरस्कार 2019 दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत का प्रथम कचरा कैफे का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो अगर एग्जाम पेपर में अगर शहर पूछा जाता है तो अंबिकापुर लिखिएगा। अगर ये पूछ ले यहाँ पे किस राज्य में हुआ, तो आपको यहाँ पे राज्य में छत्तीसगढ़ लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में मैरी कॉम ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? यूके ने की, यानी कि यूके। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में नौसेना के समन्वित गश्ती का दूसरा संस्करण भारत के किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो किस, आपको पता है ये किस देश के बीच शुरू हुआ? ये बांग्लादेश के से शुरू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन सी महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरे करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो वो है आपकी मिताली राज जी, जो कि 20 साल पूरे करने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर बन गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? तो ये पुरस्कार रमेश पांडे जी को प्रदान किया जाएगा। देखिए, ये आपके 13 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि मैंने करवा दिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एच यू टारगेट अकेडमी।